ईश्वर की महिमा आमीन। सर्वोज में ईश्वर की महिमा आमीन। सर्वोज में ईश्वर की महिमा आमीन। और पृथ्वी पर मानवों को शांति तथा शुभाशा सदा सर्वदा आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से पूर्ण है, देवदूत और मानव तेरा जयकार करते हैं, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो, अनादि से अनंत काल तक, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से पूर्ण है, देवदूत और मानव तेरा जयकार करते हैं, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं, तेरे असीम कृपा दानों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। पेज नंबर 729। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कण निरंतर उसकी स्तुति करेगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कण निरंतर उसकी स्तुति करेगा, मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है, दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए, मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। प्रभु की और दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। पर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसे शरण जाता है। प्रभु भक्तों प्रभु पर श्रद्धा रखो, श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का हर भरा पूरा है। पुत्रों आओ और मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें प्रभु पर श्रद्धा की शिक्षा दूंगा। तुम्हें कौन भरपूर जीवन लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम ना अपनी जीव को बुराई बोलने दो और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। बुराई से दूर रहो, भलाई करो
और शांति के मार्ग पर बढ़ते रहो। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन लूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से गिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु से छुड़ाता है। प्रभु उसकी हड्डियों की रक्षा करता है, उसकी एक भी हड्डी नहीं रोकी जाएगी। अधर्मी विधर्मी को मारता है, धर्मी के वैरियों को दंड दिया जाएगा। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा का उद्धार करता है, प्रभु की शरण जाने वालों को दंड नहीं दिया जाएगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो अनादि से अनंत काल तक, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। तेरे प्रत्येक उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिदान हम कदापि नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से संबंध और दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुणगान की करते रहे। तू ही सबका प्रभु और सृजनहार है सदा सर्वदा, आमीन। हे सबके प्रभु तेरी स्तुति हो, ईसा मसीह तेरी जय हो। तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है और हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है। हे प्रभु मैंने अपने हाथ निर्मल कर तेरी वेदी की परिक्रमा की। हे सबके प्रभु तेरी स्तुति हो, ईसा मसीह तेरी जय हो। तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है और हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति और आराधना हो हे सबके प्रभु सर्वदा, आमीन। तू जीवन दाई जल है, तू ही जीवन सोता है। प्रभु जी तेरा बपतिस्मा मनुज को स्वर्ग पहुंचाता। स्तुति हो पिता की, स्तुति सुध की,
स्तुति हो पावन आत्मा की, युग पूर्ति में यर्दन में त्रित का भव दर्शन होता। यह मम सुन पिता कहता, इस पर संप्रीत कह देता, कबोध रूप में ईसा पर पावन आत्मा उतराता। पावन वेद की यह गाथा भूदल में है सुर गाथा। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरी असीम दया और अविराम संरक्षण के लिए हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। प्रभु मेरी बात सुन, मेरी विनती स्वीकार कर। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। मेरी विनती दुब की तरह, मेरी करबंद प्रार्थना संध्या वंदना की तरह तेरे पास पहुँचे। प्रभु मेरे मुंह पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे हृदय को बुराई की ओर छूना ना दे, मैं दुष्टों के साथ अधर्म ना करूं और उनके फौजों में सम्मिलित ना होऊं। धर्मी मुझ पर भले ही हाथ उठाए और भक्त मुझे डांटे, किंतु दुष्ट का सुगंधित तेल मेरा सिर अलंकृत ना करे। क्योंकि मैं प्रार्थना द्वारा उनके कुकर्मों का विरोध करता हूँ। वे न्याय की चट्टान से टकरा कर डूब जाएंगे और समझेंगे कि मेरे शब्द कितने मधुर थे। मैं प्रभु की दुहाई देता हूँ, मैं ऊंचे स्वर से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मैं उसके सामने अपना दुखड़ा रोता हूँ, मैं उसे अपना कष्ट बताता हूँ। जब मैं निराश हो जाता हूँ तो तू जानता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जिस मार्ग पर मैं चलता हूँ वहाँ लोगों ने मेरे लिए जाल बिछाया है। मेरे दाहिने दृष्टि डाल और देख, कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। मेरे लिए कोई शरण नहीं, कोई मेरे जीवन की चिंता नहीं करता। मैंने ये कहते हुए प्रभु को पुकारा, तू ही मेरी शरण है, जीवितों के देश में मेरा भाग्य। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। मैंने शब्द खाई और इस पर दृढ़ रहता हूँ कि मैं तेरे नए संगत निर्णयों का पालन करूँगा। प्रभु मेरा बहुत अधिक अपमान किया गया है, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे नवजीवन प्रदान कर। प्रभु मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार करने की कृपा कर, मुझे अपने नियमों की शिक्षा प्रदान कर। मैं निरंतर हथेली पर जान रखता हूँ, लेकिन मैंने तेरी संहिता नहीं भुलाई है। विधर्मियों ने मेरे लिए जाल बिछाया है, किंतु मैं तेरे आदेशों से नहीं फटता हूँ। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा सदा सर्वदा बनी रहती है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो,
अनादि से अनंत काल तक, आमीन। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन प्रभु, मेरी बात सुन, मेरी विनती स्वीकार कर। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तू हमारे शरीर को आरोग्य देता है और हमारी आत्मा को प्रत्याशा प्रदान करता है। अपने सेवकों की प्रार्थना सुन और हम पापियों पर दया कर। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा, आमीन। यह मेरा प्रिय सुनो, इसकी बात सुनो। प्राचीन काले हे प्रभु तूने महिमा दर्शाई, बारंबार प्रतीकों द्वारा महिमा दर्शाई। आज तो मेरा प्रिय सुनो ही दुनिया में आया, तुझको मानव जाने माने ये कहते आया। ईश्वर मुझ पापी पर तू करुणा करना, प्रभु मैं दुर्बल तव चरणों में शीश नवाता हूँ। कृपया अपना हाथ बढ़ा कर मुझको देना वर, अपना पाप भरा दिल तेरी और उठाता हूँ। हे करुणा मैं मुझ पर अपनी कृपा की वर्षा कर। स्तुति हो वे पिता पुत्र की और पवित्र आत्मा की। यर्दन में सारी सृष्टि ने देखा त्रादा को, जो इस धरती और सब कुछ को नया बना देता। नित्य पिता की पुत्र और पावन आत्मा की जय हो, जिसने उसको हमें दिया उस पृथ्वी की जय जय हो। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे हमारे प्रभु, अपने पवित्र ऋतु पर हमारा विश्वास परिपूर्ण कर दे। हमें इस योग्य बना दे कि हम तुझे स्तुति सम्मान और आराधना समर्पित करें। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा, आमीन। ऊंचे स्वर से जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करें। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर। अनादि से अनंत काल तक, आमीन। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमा में शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्त जनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर। तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उनसे ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया।
हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। योहन ने पुकार पुकार कर उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हम पश्चाताप और श्रद्धा भक्ति से अपने प्रभु से विनय करें, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे दयालु पिता और सांत्वना दाता, हे हमारे पालनहार और तारनहार, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। सभी कलीसियाओं की एकता और उन्नति के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। विश्व शांति के लिए, समस्त राष्ट्रों के सहयोग एवं स्तुति के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। अपने देश की प्रगति एवं सुरक्षा के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, उपजाऊ ऋतुओं के लिए, अच्छी फसल के लिए और सारी दुनिया के कल्याण के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। कलीसिया के अधिकारियों का संरक्षण कर और उन्हें सौंपे हुए लोगों को विश्वास में सुदृढ़ एवं सत्कर्मों में उत्साही बनाने में उन्हें सहायता दे, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। ईसा मसीह की संपूर्ण कलीसिया के संभुजे परमाधीक्ष मार फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्च बिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष मार सबास्टिन के लिए तथा उनके सहसेवकों के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। सभी याजकों, उपयाजकों तथा विश्वासियों को ये कृपा दे कि वे निर्मल हृदय एवं पवित्र अंतकरण के साथ तेरी सेवा करें, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। कलीसिया के सभी समर्पित लोग पूर्णता के मार्ग पर चलकर अपनी दौड़ पूरी करें और विजय का मुकुट पाएं, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। प्रेरिताई में उत्साही लोग धर्मियों को प्रचुर मात्रा में देकर कलीसिया को संपन्न बना दे, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सभी मृत विश्वासियों को, विशेषकर हमारे स्नेही सज्जनों को स्वर्ग राज्य के सहभागी बना दे, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। रोगियों को स्वास्थ्य लाभ, दुखियों को दिलासा एवं मरणासन लोगों को शांति दे, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। अनाथों और गरीबों की रक्षा कर और आत्मिक एवं शारीरिक रूप से पीड़ित लोगों को सांत्वना दे, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। हमारी माता पवित्र कुवारी मरियम, संत यूसुफ और प्रेरित संत थॉमस की प्रार्थनाओं में शरण लेकर स्वर्गोन्मुख जीवन बिताने की शक्ति दे, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु, प्रार्थना और याचना द्वारा शांति एवं दया के दूत के लिए हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं। जीवन भर कलीसिया की शाश्वत शांति के लिए और पाप रहित जीवन के लिए हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं।
पवित्र आत्मा से प्राप्त परिपूर्ण प्रेम भाव की एकता के लिए हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं। पापों की क्षमा के लिए और हमारे जीवन को स्मृत बनाने वाले एवं तुझे प्रसन्न करने वाले दानों के लिए हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं। तेरे असीम आशीष एवं शाश्वत कृपा के लिए हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों पर समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम सब समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अपने शरीर और आत्मा को तुझे सौंपते हैं। हमारे पाप क्षमा कर और हमें आशीष प्रदान कर। तू ही सबका प्रभु है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्रभुवर आपका आशीर्वाद। प्यारे भाइयों और बहनों, हस्तारोपण के लिए सिर झुकाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। सबको पवित्र करने वाले की आशीष, सभी को स्वांदना देने वाले की दिलासा एवं सबों पर कृपा बरसाने वाले की करुणा और परिपालन हम पर, इस मंडली पर एवं समस्त मानव जाति पर बनी रहे, अब सदा और सर्वदा। आमीन। प्रभु ईश्वर का आत्मा उस पर छाया रहेगा सदा। बहुत तेरों ने यह दिन में योहन के हाथों से स्नान की दीक्षा ली, लेकिन उस दिन पावन साक्षी है, इसका साक्षी है। अब तो जो भी बपतिस्मा संस्कार स्वीकारते हैं, उनमें बसता पावन आत्मा बरसाता। देखो यह है वास्तव में प्रभु ईश्वर का मेमना, शीर्ष है तो सब जन दाओगा, अंग है हम तेरे, आध्यात्मिक तन के प्रभु जी तू सुर दिया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की जय हो बारंबार। यर्दन जल से बढ़कर है बपतिस्मा जल, जिससे मानव मानिद है। होता था बपतिस्मा जल जल वाली कलीसा में, अब
आत्मा प्रभु ने दिया है भक्ति स्मादन प्रभु की जय जय वरदानों की वर्षा करता ये पावन संस्कार बपतिस्मा संस्कार हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे हे प्रभु ईश्वर प्राचीन काल में तूने हमारे पूर्वजों को नबियों द्वारा संदेश दिया समय की पूर्ति में तूने अपने इकलौते पुत्र द्वारा हमसे बोलने की कृपा की यह वर दे कि हम अपने प्रभु व मुक्तिदाता मसीह के मुक्तिकारी को दिल से प्यार करें उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसके प्यार में बने रहें तू ही सबका प्रभु है सदा सर्वदा आमीन प्रभु मुझे अपने विधान के मार्ग की शिक्षा प्रदान कर मैं जीवन भर उस पर चलता रहूंगा प्रभु मुझे अपने विधान के मार्ग की शिक्षा प्रदान कर मैं जीवन भर उस पर चलता रहूंगा मुझे ऐसी शिक्षा दे जिससे मैं सारे हृदय से तेरी संगीता का पालन करता हूँ मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग पर ले चल क्योंकि वे मुझे आनंद प्रदान करती है मेरे हृदय में धन समृद्धि का नहीं बल्कि अपने आदेशों का संरक्षण अपने की कृपा कर संसार की माया से मेरी दृष्टि हटा मुझे अपने मार्ग द्वारा नव जीवन प्रदान कर अपने सेवक के लिए अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर और लोग तुझ पर श्रद्धा रखेंगे मुझसे अपमान दूर कर मैं उससे डरता हूँ क्योंकि तेरे निर्णय कल्याणकारी है मुझे तेरी आज्ञाएं हृदय से प्रिय हैं तो अपने न्याय के अनुरूप मुझे नव जीवन प्रदान कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो अनादि से अनंत काल तक आमीन हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे हे प्रभु जो तेरी कृपा के द्वार पर कड़कड़ाते हैं उनके लिए तू अपना द्वार खोलता है हमारी संध्या प्रशांत हो निशा सुगमय हो प्रभात प्रतीक्षा पूर्ण हो और दिन सत्कर्मों से संपन्न हो हे कृपा दे कि हम जीवन भर तुझे प्रसन्न करें तू ही सबका प्रभु है पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन हे प्रभु तेरा आशीर्वाद हे प्रभु तू प्रेम है और असीम प्रेम का सागर है तू अपनी भेड़शाला के आंगन में जागता हुआ चरवाहा बैन तू अपने भेड़ों को उन भेड़ियों से बचा जो उनके खून के लिए प्यासे हैं तू ही सबका प्रभु है पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन हे प्रभु तेरा आशीर्वाद हे प्रभु तू अपने महिमा में त्रितुकार समय सामर्थ्य अनंत कृपा निरंतर सहायता हमें प्रदान कर पवित्र कुमारी मरियम की प्रार्थना एवं संत यूसुफ तथा पवित्र प्रेरितों के अनुनय विनय के द्वारा दिव्य सहायताएं हमें सदैव प्राप्त हो हमारे पिता प्रेरित संत थॉमस संत जॉर्ज और दूसरे शहीदों और इस भवन के संरक्षिका संत फ्रांसिस संरक्षिका संत अल्फोंसा और सब संतों एवं धर्माचार्यों की मध्यस्थता हमारी मदद करें वे हमें आश्रय एवं सहायता दें तथा शैतान और उसके साथियों से बचा कर हमें स्वर्गीय आनंद की ओर ले चले तू ही सबका प्रभु है पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन हे प्रभु तेरा आशीर्वाद हे मसीह सनातन पिता की ज्योति हम तेरी आराधना एवं स्तुति करते हैं अपने धर्मियों की प्रार्थनाओं द्वारा हमें पापों की क्षमा कर और विपदाओं में स्वंदना दे
तू हमें अपनी स्वर्गीय ज्योति की ओर ले चल तथा जीवन की सब विपत्तियों में अपनी पवित्र सलीब की शक्ति से हमारी रक्षा कर। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, अब सदा और सर्वदा। आमीन।